अच्छा मुझे बताइए भाई, जब ये आपको ब्रिटेन के सामने 10 लोगों के भरोसे लड़ना था, तब क्या इन्हें शुरू में ही डिमोरलाइज हो गएंगे? सरपंच साहब जरा बताइए, कुछ तो हुआ हो क्योंकि ये बड़ा कठिन था। नमस्कार सर। जी बिल्कुल सर, काफ़ी कठिन था क्योंकि पहले ही क्वार्टर में कार्ड हो गया था हमारे प्लेयर को, एंड बट आई थिंक जो कोचिंग स्टाफ है हमारे, उन्होंने काफ़ी हेल्प की है हमारी, और हम विजुलाइज करते थे कि हर सिचुएशन को, क्योंकि ओलंपिक में कुछ भी हो सकता है सर सरप्राइजली, तो हमारा माइंडसेट था कि अगर हम ऐसी कोई सिचुएशन आती भी है, जो हमारे प्लान्स हैं हम उस पर स्टिक रहेंगे, और सारी टीम का जोश और बढ़ गया सर, क्योंकि जीबी के साथ हमारा थोड़ा रहता है कि थोड़ा फाइट भी होती रहती है तो वो मेंटालिटी थी कि इनसे 150 साल से चली आ रही है। हाँ सर, वही सर, हम परंपरा निभा रहे थे। तो बिल्कुल ये सर और था कि मन में कि नहीं हम ये मैच जीतेंगे आज, तो बहुत अच्छा रहा कि 1-1 ड्रा रहा सर, उसके बाद शूटआउट पे हम जीते हैं, तो एक वो, क्योंकि ये ऐसा कभी सारी हिस्ट्री में नहीं हुआ सर ओलंपिक में, एंड एक और खुशी की बात थी कि हमने जो ऑस्ट्रेलिया को हराया सर, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि 52 ईयर्स के बाद हमने बड़े प्लेटफॉर्म में ऑस्ट्रेलिया को हराया। वैसे भी आपने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं 52 साल के। जी जी सर, 2 बार ओलंपिक में, बार लगातार, ये भी बहुत बड़ा काम है जी।